जब हम किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो हमें उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। अच्छा, अधिकतर विदेशी महिलाएं इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वह हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। अब नायक का जवाब सुनेगा साहब, जो गोरी मैम वो आधार कार्ड बेचने आती, निवेदन करता हूं, सुनेगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको अगर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको अगर जुड़ना हो आइए, आजा पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना 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 जाना, जाना। आइए गीतों के इस गुम्फन को और बढ़ाते हैं और गीत की फसल को थोड़ा और घनीभूत करके उगाते हैं। हमारे बीच में हरफट मौला, एक गीतकार जो देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से हमारे बीच आते हैं, नाम होता है मोहन मुंतजिर। हम उनको बुलाना चाहते हैं और कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि कभी गीत ऋषि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज ने अपने गीत के माध्यम से चिंता व्यक्त की थी। सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा था कि जब गीत ही मर जाएगा तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकति आंसुओं का कारवां रह जाएगा। लेकिन मोहन मुंतजिर को जब जब मैं सुनता हूँ, आप सुनते हैं, लोग सुनते हैं, तब तब ये दावा करते हैं कि मन करता है कि गीत कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ताली बजा के बुलाइए मोहन मुंतजिर को। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूं। महनीय मंच है, आदरणीय हरिओम पवार दादा, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय सुरेश अवस्थी जी, मेरे बहुत अच्छा मित्र शंभू शिखर और अंकिता सिंह जी। कॉपी टू ऑल। अभी सूरज ने आपको हास्य भी सुना दिया, ओज भी सुना दिया, श्रृंगार भी सुना दिया, लेकिन मेरा मन यह है कि मैं आपको इन सबसे हटके सुनाऊं। विशाल जी का मेरे पास फ़ोन आया, तो विशाल जी कहाँ बैठे हैं आप? विशाल जी, अच्छा, बहुत बहुत आभार। बोले कि भैया कि आप गोरखपुर में हो, 11 तारीख को 12 तारीख को हमारे यहाँ दैनिक जागरण में कवि सम्मेलन है, आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊँ? मैंने कहा साहब उठवाने की क्या आवश्यकता है, मैं ऐसे आ जाऊंगा। तो बोले अच्छा बताओ क्या पेमेंट लोगे? अरे मैंने कहा सर पेमेंट की क्या बात है, आपने कह दिया। बोला नहीं नहीं पेमेंट आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मैंने भी दाव मारा, मैंने पूछ लीजिए कौन कौन आए हैं, सारे कवियों के नाम लिया और शंभू शिखर का भी नाम लिया। अरे मैंने कहा शंभू शिखर तो बड़ा आदमी है, मैंने दाव मारा, मैंने कहा विशाल जी काम कीजिएगा, मुझे शंभू शिखर से 500 रुपये कम दे देना। तो बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। हाय ये क्या बात है मोहन, बिना पेमेंट का कभी आपके सामने खड़ा है। ये दादा आदरणीय हरिओम पवार दादा जी उपस्थिति रखते हैं, ये बात मैंने एक मंच में और कही, दादा बोले तो फोकट में पड़ता है। मैंने तब से कसम खाई थी जिस मंच पे आदरणीय पवार दादा होंगे वो मंच में फोकट में ही पढ़ूंगा। अरे जिस मंच में आदरणीय दादा हो उस मंच में पेमेंट की क्या आवश्यकता है साहब, इनके सामने हम पढ़ लें हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक सूचना मैं निवेदन करता हूँ, उसके बाद एक गीत आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल समय नहीं लूंगा, मुझे आदेश भी है। एक सूचना है क्योंकि सारी विदा हो चुकी हैं, ये एक ऐसी सूचना है जो आप तक नहीं पहुँची होगी। ये सूचना के बाद आप सोचेंगे यार इसको तो ब्यूरो चीफ बना देना चाहिए था। निवेदन करता हूँ, थोड़ा साथ दीजिएगा, 5 से 6 मिनट आपके बीच में, सुनिए। अरे अब गलियों में और न दंगा देखोगे, बस हो गया बैठ जाऊं? मैंने कहा काम हो गया होगा तो क्या जरूरत है आगे, है ना, वैसे भी लिफाफा खाली है। अरे अब गलियों में और न दंगा देखोगे, देखोगे, अरे देखोगे, अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे, गृह मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर,
मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर। अरे पीओ के मैं जल्द तिरंगा देखोगे। बहुत आभार। बहुत आभार, बहुत आभार। जो मैंने आपसे वादा किया था, आदरणीय पवार जी का आशीर्वाद मिल गया, मेरा आना कामयाब हो गया। एक आपको मैं चार पंक्ति सुनाता हूँ, फिर अब वो गीत सुना के अपना स्थान लेता हूँ। सुनिए। स्वागत है। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। कौन है हम लोग साहब, सुनिएगा। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया। पत्थर पे वानर। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया। प्रेम की परिभाषा दो पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग सुन रहे हो, बहुत अच्छा, मुझे आनंद भी आ रहा है। मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ, दो तीन मिनट का गीत है, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, ठीक है दादा? हाँ हाँ, नहीं पढ़ी पढ़ी, आराम से पढ़ी। मैं बस इसकी भूमिका में आपको इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गीत की जो नायिका है वो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है, उसको विदेश में बसने का अवसर आता है, तो वो अपने जो इस गीत का नायक है उससे कहती कि तुम भी मेरे साथ विदेश चलो, क्या रखा है हिंदुस्तान में। अब वो ठेठ हिंदुस्तानी जो इस गीत का नायक है वो उसे हिंदुस्तान की परिभाषा बताते हुए एक गीत सुनाता है। बस आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये मैंने निष्पक्ष गीत लिखा है, दो तीन मिनट का गीत है, उसके बाद अपना स्थान भी लूँगा। बस आप लोग एक ठेठ हिंदुस्तानी बनकर इस गीत को सुनेगा, अब यकीन मानेगा मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी नैतिक या अनैतिक संबंध नहीं है। स्वागत। मैं ना बीजेपी का आदमी, मैं ना कांग्रेस का आदमी, मैं ना सपा का आदमी, मैं ना बसपा का आदमी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूँ। निष्पक्ष होकर एक गीत सुना रहा हूँ, सुनेगा, निवेदन करता हूँ। अब वो नायक क्या कहता है हिंदुस्तान क्या है, मेरा मन है आप तक पहुँचाऊँ, सुनेगा नायक क्या कहता है, नायिका से निवेदन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार। नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना 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 जाना। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं हाथ जोड़कर कि हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता साहब, आपकी तालियां हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती हैं। आपकी तालियों से इस बात का आंकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी है हमारी कविता अच्छी नहीं है। बस आप लोग जब तालियां बजा लेते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, है ना जी, हमें भी सांस लेनी होती है साहब। आपके लिए बहुत आसान मैं काम ये कर देता हूँ, पूरा गीत भी आप सुनेगा। जब मैं ये बोलूँ ना मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप ताली बजा देना, बाकी पूरा गीत सुनेगा। लेकिन जब मैं बोलूँ मुझको नहीं जाना जाना तो ताली बजा देना, ऐसा ना हो कि मैं ये बोलूँ मुझको नहीं जाना जाना जाना, आप ताली ना बजाएं और मैं चला जाऊँ, है ना जी। तो क्यों ये कवि की हत्या का पाप लेंगे। अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं, गीत का बंद निवेदन करता हूँ, ग्रीन कार्ड क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। ग्रीन कार्ड, बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ तो। स्वागत स्वागत। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं साहब कि जब हम किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो हमें उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। अच्छा अधिकतर विदेशी महिलाएं इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वह हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। अब नायक का जवाब सुनेगा साहब, जो गोरी मैम वो आधार कार्ड बेचने आती, निवेदन करता हूँ, सुनेगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए,
मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आजा पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 बहुत 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 आभार साहब। हम जब विदेश की तरफ भागते हैं साहब, कुछ कारण होते हैं, दो तीन कारण आपको बताता हूँ। बस एक संदेश जो आप तक पहुंच जाए, मेरे पास ना ऊज की कविता, ना हास्य की कविता, ना श्रृंगार की कविता, एक संदेश जो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ साहब। होता क्या है, हम विदेश की तरफ क्यों भागते हैं साहब, जब हमारे पास पैसों की कमी होती है आदरणीय, तो हम विदेश की तरफ भागते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पूरे हिंदुस्तान में मिलता है ना, वो पूरे पूरे विश्व में नहीं मिलता, वो है संबंध, वो है व्यवहार। एक एक बंद निवेदन करता हूँ, कोरोना का समय आप देखिएगा, निवेदन करता हूँ सुनिएगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, क्या है हिंदुस्तान। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। खुशी के लोग हैं कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। जब ये बंद हो पूरा, तब ये तालियां पहुंचाएगा, सुनेगा। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 भैया, बढ़िया बढ़िया, क्या सुनते हैं साहब, सैल्यूट आपको। इस गीत के दो बंद शेष हैं जो कि विशेष हैं, उसके बाद मुझे अब मैं अपने स्थान भी ग्रहण करना है। मुझे आदरणीय सुरेश अवस्थी जी ने जितना समय दिया, मैं उतना समय लूंगा, है ना, उतना समय लूंगा जरूर, क्योंकि समय से पहले मैं जाने वाला हूं नहीं, और समय से पहले किसी को जाना भी नहीं चाहिए। बंद निवेदन करता हूँ साहब, जब बहुत अमीर लोगों को कहीं पर छुट्टी मनाने का मन होता था, तो एक जगह का चुनाव करते थे साहब, स्विट्जरलैंड, है ना। लेकिन एक बात आप सबसे निवेदन कर दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है पृथ्वी, और इस पृथ्वी में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है कश्मीर। वो अलग बात है कि पिछले 100-150 साल से उस स्वर्ग का दरवाज़ा बंद था, अभी कुछ साल पहले एक तीर चला है साहब, जिसने उस स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया है। निष्पक्ष होकर सुनना, ये बंद निवेदन करता हूँ। अब आपको कहीं पर छुट्टियां मनाने का जाने का कोई ज्यादा टेंशन ही नहीं, पैसे बचाइए, सुनिएगा। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से, अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, आखिरी बंद में आपसे विदाई की ताली अवश्य चाहूँगा। आज आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुरेश अवस्थी जी का, जो इतने अच्छे लोगों के बीच मुझे मौका दिया। कभी और मौका मिलेगा तो आऊँगा, लेकिन ये आखिरी बंद निवेदन करता हूँ। इस आखिरी बंद में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, काशी के लोगों, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना भी हो तभी तालियाँ बजाइएगा, झूठी ताली मत बजाना। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, वही पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एडवांस पेमेंट। वो प्रार्थना अगर आपकी प्रार्थना जो मैंने ईश्वर से की तभी ताली बजाएगा, सुनेगा। अरे जय हिंद बोलू मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलू मेरी
किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज होती रंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना।